He wears his superstardom with ease, but actor Diljit Dosanjh is not amused when it comes to the Santa Banta jokes. And he seems to have a liking for trolls. और अपने सुपर स्टारडम को लेकर मैं होता तो होगा, कम ऑन, सुबह तो देखते होगे आप दिलजीत हो, मगर जब बाहर निकलते होगे तो फैंस का झुंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ओवरवेल्म नहीं होते हैं कभी कभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ये सब जो चीज है वो आपके काम के साथ जुड़ी होती है। मैं अभिजीत जी के साथ एक बार इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया तो लोग खड़े हो जाते थे जब मैं रेस्टोरेंट में एंटर करता था, जब पीक टाइम था। और जब एक बार बुरा टाइम आया तो उसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो लोग आपको देख के मुंह नीचे कर लेते, फेस आपका नीचे कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो आर्टिस्ट को या उस बंदे को नहीं, उसके काम को मोहब्बत करते हैं। तो इस चीज़ को कभी दिमाग में नहीं लेना चाहिए कि मैं ऐसा, मैं फलां। जोक्स होते हैं पंजाबियों पे, सिक्स पे, आपका क्या ले वो है, जैसे जोक्स निकलते हैं, लॉ ने भी बोला नहीं होने चाहिए, आप व्हाट इज योर टेक? मैं गुरदास मान साहब जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी इस पे कि अपना आप मजाक उड़ाना जिसनू आउंदा है वह दूजे की खिली सजना कदों उड़ाता है। ये भी पंजाबी हैं जिहड़े बर्दाश्त कर लेंगे, किसी और पे करोगे तो शायद केस ही कर देंगे सबसे पहले। हाँ, तो अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठोके जाओ, कहीं तो फिर बर्दाश्त का वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको जवाब सुनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो ट्रोल्स होते हैं जो सोशल मीडिया के साथ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ उसको डाइजेस्ट करना सीख जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर बात हो रही है तो बात है कोई ना कोई, प्रॉब्लम ये है कि बात ही नहीं हो रही, फिर प्रॉब्लम होगी कि बात ही नहीं हो रही यार।